कोई कंप्लेन? हेलो गाइस एंड वेलकम टू ए फ्रेश न्यू वीडियो। इस वीडियो में आज बात करने वाला हूँ टॉप 10 हॉलीवुड मूवीज जो कि बहुत ही ज़्यादा हाइप हैं और सब लोग इंतज़ार कर रहे थे कि इस मूवी का हिंदी डब वर्जन आ जाए, और इस मूवीज़ का हिंदी डब वर्जन आ चुका है तो इस मूवी को आप जाके इन्जॉय कर सकते हो। वेल, नंबर 10 पर है मूवी ब्लड शॉट, 2020 में रिलीज़ किया गया है। मूवी लीड रोल में है विन डीजल, जो कि अपनी पत्नी को खो चुके हैं और होश में आने के बाद वो खुद को एक लैब में साइंटिफिक रिसर्च का हिस्सा बनते हुए पाते हैं, जिस रिसर्च लैब के साइंटिस्ट उनको एक एसेसिन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वन ऑफ द बेस्ट एक्शन मूवीज इन 2020 है और इस मूवी को आप हिंदी में इंजॉय कर सकते हो। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 5.7 और इसके साथ ही गूगल यूजर्स ने भी 85% का लाइक दिया है इस मूवी को। कुछ साइंटिस्ट जो कि अंडर वाटर रिसर्च कर रहे हैं और फिर ऐसा होता है कि कुछ अनजाने क्रीचर्स उन पर हमला कर देते हैं, तो फिर वो साइंटिस्ट वहाँ से कैसे बच के निकल पाते हैं या निकल पाते हैं या नहीं, ऐसा ही कुछ मूवी प्लॉट है मूवी अंडर वाटर का, जो कि 2020 में रिलीज़ किया गया है और इस मूवी का IMDb रेटिंग है 5.9, जिसको कि गूगल यूजर्स ने 80% का लाइक दिया है। बहुत ही सस्पेंस थ्रिलिंग से भरा हुआ है मूवी और हॉरर के मामले में भी बहुत अच्छा है। नंबर 8 पर है बर्ड्स ऑफ प्रे, 2019 में रिलीज किया गया था ये मूवी। एक्शन और सुपर हीरो के बारे में है, जहां पर हार्ली क्विन का ब्रेकअप हो चुका है जोकर के साथ और फिर सब उसे मारना चाहते हैं, तो ऐसे में उसे एक बच्ची की भी जान बचानी है, तो वो टीम अप होती है और 3 लड़कियों के साथ, फिर वो क्या वो बच्चे को बचा पाती है या नहीं, ये इस मूवी में आपको देखने को मिलेगा। मूवी बहुत ही एंटरटेनिंग है, जो कि आप हिंदी डब में भी इंजॉय कर सकते हैं। मूवी का IMDb रेटिंग है 6.2 और 82% गूगल यूजर्स ने भी इसको लाइक दिया है। मम्मी पापा को एक फेक ट्रैवल ब्रोचर दे के वैकेशन में भेजते हैं 4 बच्चे। जी हाँ, ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग प्लॉट है द मूवी द विलीबीज का, जो कि नंबर 7 पर है। मूवी का प्लॉट कुछ ऐसा है कि 4 मम्मी पापा से नेग्लेक्टेड बच्चे डिसाइड करते हैं कि मम्मी पापा को फेक ब्रोचर दे के वैकेशन में भेजने का, और फिर वो नानी के साथ एडवेंचर ट्रिप पे जाएंगे। तो इस मूवी में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे वो नानी के साथ एडवेंचर ट्रिप पे जाते हैं और कैसे एंजॉय करते हैं। ये मूवी का IMDb रेटिंग है 6.5 और 92% गूगल यूजर्स ने इसको लाइक्स भी दिया है। नंबर 6 पर है स्पाइज इन डिस्गाइज। मूवी एक स्पाई और एक लड़के के बारे में है, जो कि स्पाई का रोल प्ले किया है विल स्मिथ ने, और जब उस स्पाई के अगेंस्ट उसके ही डिपार्टमेंट में कुछ एजेंट्स लग जाते हैं और फिर वो अपने आप को बचाने के लिए एक लड़के के पास जाता है, तो फिर वो लड़का उन्हें कबूतर बना देता है, तो लास्ट में क्या वो कबूतर से फिर से इंसान बन पाते हैं या नहीं, ये इस मूवी में आपको देखने को मिलेगा। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 6.8 और गूगल यूजर्स ने इसको 91% का लाइक्स दिए हैं। नंबर 5 पर है हम सबका फेवरेट एक्सट्रैक्शन। स्टोरी टाइलर के बारे में है, जो कि SSN है और वो अपनी लाइफ के सबसे डेंजरस मिशन पर जाता है, जहां उसे इंडिया के ड्रग लॉर्ड को किडनैप किए गए बच्चे को बांग्लादेश के ड्रग लॉर्ड से बचाना है और फिर उसको इंडिया लेके आना है। बहुत ही जबरदस्त एक्शन और थ्रिलर से भरा हुआ है ये मूवी। इस मूवी का भी हिंदी वर्जन आ चुका है। मूवी को IMDb रेटिंग देता है 6.9 का और गूगल यूजर्स ने इसको रेटिंग दिया है 88% का। मुझ पर भरोसा करते हो? नहीं। शाबाश। नंबर 4 पर है द इनविजिबल मैन, क्राइम हॉरर थ्रिलर के ऊपर बेस्ड है ये मूवी। स्टोरी शुरू होती है एक लड़की से, जो कि अपने बॉयफ्रेंड को चीट करके $5 million चुरा कर भाग जाती है, लेकिन बाद में उस लड़की को पता चलता है कि वो उसका जो बॉयफ्रेंड है वो इनविजिबल हो चुका है और उसे डराने की कोशिश करता है, या फिर कह सकते हैं उसे मारने की कोशिश करता है। मूवी की स्टोरी लाइन बहुत ही ज़्यादा क्रिपिंग है। इस मूवी को IMDb रेटिंग देता है 7.2 का और गूगल यूजर्स ने इसको 86% का लाइक्स दिए हैं। नंबर 3 पे है जॉन विक पार्ट 3, 2019 में रिलीज किया गया था ये मूवी। एक्शन और थ्रिलर के ऊपर बेस्ड है। मूवी शुरू होती है जॉन यानी कियानो रिविन, जो कि एक बहुत ही बड़े इंटरनेशनल माफिया को मारने के बाद अंडरवर्ल्ड के सारे गुंडों के दुश्मन बन जाते हैं, और फिर उसको मारने के लिए उसके सर पर बहुत ही बड़ा इनाम रखा जाता है। मूवी में जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा और कियानो रिविन के एक्शन स्टंट्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, तो इस मूवी को आप हिंदी में भी देख सकते हो। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 7.2 और गूगल यूजर्स ने इसको लाइक्स दिए हैं 92% का। नंबर 2 पे है लिटिल वुमन, 2019 में रिलीज किया गया है मूवी, जिसमें 4 सिस्टर्स की कहानी दिखाई गई है कि कैसे वो चारों अपनी अपनी ज़िंदगी से अलग अलग हैप्पीनेस की डिमांड करती हैं। एक लड़की को शादी करनी है, एक राइटर बनना चाहती है, एक फैमिली के साथ रहना चाहती है और एक को मटेरियल सक्सेस चाहिए, तो ज़िंदगी में उन्हें कैसे कैसे सरप्राइजेस मिलती है इन सब को, ये सब हैप्पीनेस सीख करने में, ये इस मूवी में आपको देखने को मिलेगा। मूवी बहुत ही ज़्यादा ग्रिपिंग है
और इस मूवी को IMDb रेटिंग देता है 7.9 का और गूगल यूजर्स ने भी इसको रेटिंग दिया है 90%। नंबर वन पर है मूवी जोजो रैबिट। इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 2019 में। कॉमेडी वॉर जनर के ऊपर रिलीज की गई है इस मूवी को। ये स्टोरी जोजो नाम के एक लड़के के फैंटेसी वर्ल्ड के बारे में है। ये स्टोरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त की है। जोजो हिटलर का बहुत ही बड़ा फैन है और वो कैसे अपने एक इमेजिनरी वॉर लड़ता है, ये इस मूवी में देखने को मिलेगा आपको। जोजो के एडवेंचर के ऊपर बेस्ड है ये मूवी। इस मूवी को IMDb रेटिंग देता है 7.9 और इसका गूगल यूजर्स रेटिंग है 93%। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, और डाउनलोड लिंक्स के लिए आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम ID पर। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून।